जय हिंद दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जिम्बाब्वे T10 का जो अगला मैच खेला जाएगा, जो शुरू होगा 8:30 बजे, उस मैच के बारे में। तो ये दोस्तों ये मैच खेला जाएगा आपके CTS से, मतलब केप टाउन सेम्पार्मी और हरारे हरिकेन्स के बीच में। तो कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको हमें पिक करना है दोनों ही टीमों में से, ताकि आप एक तरफा क्लीन स्वीप करें, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRI, एक सेकंड, हाँ, तो ये दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा, तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की दोस्तों, अभी बात करते हैं मैच की। चलिए हम आपको हमारी टीम दिखा देते हैं इन डिटेल्स, कैसे किसको हम रखेंगे, क्यों रखेंगे। पहले हम फिल्टर लगाते हैं CTSE की टीम के ऊपर। तो अगर फिल्टर लगा दिया तो यहाँ से आपको खेलते दिखेंगे रहमानुल्लाह, गुरबाज, ब्रिट्स की को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना। यहाँ से एक ही ऑप्शन अच्छे बनते हैं, वो है रहमानुल्लाह गुरबाज, इनको हम अपनी टीम में रख लेंगे। अगर बात करें बैट्समैन की, बैटिंग में आपको खेलते दिखेंगे टीमारूमनी और राजापक्षा। राजापक्षा आपके लिए बन जाएंगे ग्रैंड लीग के पिक। स्मॉल लीग में आपको टीमारूमनी के साथ ही जाना है दोस्तों। अगर बात करें बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन की, आपके पास ऑप्शन है करीम जन्नत, टॉम कुरान, सीन विलियम्स, कैम्पबेल, चार आपके पास बेहतरीन ऑप्शन हैं। पर जो बेस्ट ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए वो है ये दोनों। इन दोनों को अभी हम पिक कर लेंगे, जो है करीम जन्नत और टॉम कुरान को हम पिक कर लेंगे अपनी टीम में। अगर बात करें बॉलिंग की, आपके पास ऑप्शंस कौन कौन है, ऑप्शन है शेल्डन कॉटरेल, पीटर हुक्जोग्लो, नागवेरा और मुजीबुर रहमान दोस्तों। तो बात करें प्लेयर्स की, मुजीब जो है वो ग्रैंड लीग की पिक है दोस्तों, ये आपके लिए ग्रैंड लीग की पिक बन जाएंगे। स्मॉल लीग में आप इन तीनों को अपनी टीम में रख लेना, चाहो तो इनको भी ड्रॉप कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो बनेंगे आएंगे वो है शेल्डन कॉटरेल और पीटर हुक्जोग्लो। तो ये प्लेयर, ये छः प्लेयर्स हमने ले लिया इस टीम से। कौन? रहमानुल्लाह गुरबाज, टीमारूमनी, करीम जन्नत, टॉम कुरान और शेल्डन कॉटरेल और पीटर हुक्जोग्लो, इन सबको हमने अपने टीम में ले लिया है दोस्तों। आप एक बार टीम का अब देख लीजिए, ये छः प्लेयर्स हमने ले लिए, सबसे बेस्ट यही बनेंगे इसके मैच के स्मॉल लीग के लिए ये इस टीम से। अगर हरारे हरिकेन्स की टीम की बात करें, आपको खेलते हुए दिखेंगे रोबिन उत्तप्पा और चिकावा बैट और विकेट कीपिंग सेक्शन में से। चिकावा की बात करें तो पिछला मैच कुछ ठीक ठाक ही रहा था, पर रोबिन उत्तप्पा जो है वो अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं, इनको आपको डायरेक्टली अपनी टीम में रख लेना है। बैटिंग की बात करें, आपको खेलते हुए दिखेंगे डी फरेरा और इविन लुइस और टी माकुशिया, तो इनको आपको ड्रॉप करना है। इविन लुइस की बात करें, ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिछला मैच में 1 एकड़ ही बनाए थे या 0 पर आउट हो गए थे शायद ये। तो यहाँ से आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन बनते हैं वो है डी फरेरा को अपने टीम में रख लेना है, हमने रख लिया। अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद अभी का, लोंगवे का, इरफान पठान का और समित पटेल का। समित पटेल की बात करें, ये एक मैच में 2 ओवर कर रहे हैं, एक मैच में नहीं कर रहे, कुछ इस तरह से चल रहा है। लॉन्गवे का बता दें, हर एक मैच में ये आपको 2 ओवर करते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में 2 ओवर किया था ना इन्होंने, -6 दिया था, हाँ 1 ओवर मिला था क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादा था। मोहम्मद अभी आपके लिए मस्ट पिक बन जाता है इस टीम से। अगर बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन कौन कौन है, एक सेकंड, बॉलिंग में आपका ऑप्शन है बर्गर का, श्रीशांत का और टी माफूसा का। पर अभी के लिए हमें यहाँ से एक ही अच्छे ऑप्शन बनते हैं, वो है बर्गर, इनको ले लेंगे अपनी टीम में और चलेंगे। एक सेकंड, बोथ पे चलते हैं, हाँ बोथ पे आगे आपके ऑप्शंस कौन कौन है अभी दिखा देते हैं आपको। आप चाहो तो ऐसे नागवीरा को अपनी टीम में रख सकते हो,
ये तो मुजीब और रहमान जो हर एक मैच में एक ओवर तो करते ही है, एक विकेट तो ले ही लेते हैं, दो ओवर करते हैं बॉलिंग। और या तो आप यहाँ से ले लीजिए इविन लुइस का जो ओपनिंग करे टीम से, मैं इविन लुइस के साथ जाऊँगा दोस्तों। तो यही मेरी फाइनल टीम रहेगी, आप एक बार देख लीजिए टीम। इविन उत्तपा को लिया हमने और रहमान उल्लाह गुरबाज को लिया है विकेट कीपिंग से, बैटिंग से लिया फरेरा मारूमानी और इविन लुइस को, ऑलराउंडर में हमने लिया है मोहम्मद नबी करीम जनत और टॉम कुरान को। अगर बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग में हमने लिया है कॉन बर्गर, शेडन कॉटल और पीटर हॉकजुगलू को। तो बात करते हैं सी और बीसी की, सी और बीसी कौन बनेंगे हमारे। सी और बीसी के ऑप्शन है आपके पास टॉम करन है, एक ऑप्शन आपके पास करीम जन्नत, मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबास और अभिन उत्तपा, ये पांच ऑप्शन आपके पास है, पर आपको सिर्फ दो ही को सी और बीसी बनाना है। तो मेरे हिसाब से आप जाना, अगर ऑलराउंडर की बात करें सबसे बड़ी ऑप्शन टॉम करन का आपके पास आ जाता है, फिर आपके करीम जन्नत। मेरे हिसाब से आप जो सी और बीसी बनाएंगे ना वो बना दीजिएगा आप यहाँ से रहमानुल्लाह गुरबास को या फिर अभिन उत्तपा को कैप्टन, और वाइस कैप्टन आप बना दीजिएगा यहाँ से कहागे डी फरेरा, भी अच्छे खासे ऑप्शन बन जाते हैं आपके लिए। आपको हमारे सी और बी सी दिखा देते हैं, पहले हमारे कैप्टन रहेंगे ये, वाइस कैप्टन रहेंगे टॉम कुरान दोस्तों। शायद मैं टॉस के बाद में शायद वाइस कैप्टन इनको ना बना के, टॉम कुरान को ना बना के मैं शायद यहाँ से रहमानुल्लाह गुरबास के साथ जाऊँगा एज ए वाइस कैप्टन दोस्तों, शायद मैं जा सकता हूँ दोस्तों। या फिर रहमानुल्लाह गुरबास को मैं कैप्टन बना दूँ अपनी टीम का, ये भी मैं कर सकता हूँ दोस्तों। तो जो भी हो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी। और एक और चीज़, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपडेटेड नहीं रहोगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों याद से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।